अब दैविक राज्य सिक्किम हुँदैछ। अब 2015 दुई साल भित्रमा सिक्किम चाहिँ दैविक राज्य अथवा अर्ग्यानिक स्टेट हुनेछ। अर्ग्यानिक स्टेट भएपछि हाम्रो सिक्किममा जम्मै उब्जेका साग सब्जी भन्नुहुन्छ कि माछा मासु भन्नुहुन्छ कि दुध घिउ छुर्पी भन्नुहुन्छ कि हाम्रो सिक्किममा उब्जेको कुनै पनि तपाईँको अदुवा भन्नुहुन्छ कि जो पनि भन्नुहुन्छ फलफुलहरू भन्नुहुन्छ सबै जैविक अर्ग्यानिक हुन्छ र यसको माग यसको डिमान्ड चाहिँ देश र दुनियाँमा छ र सिक्किम चाहिँ हाम्रो इन्डियाको पहिलो जैविक राज्य हुनेछ। सिक्किममा छोटा सा राज्य है, बहुत कम आबादी है, लेकिन उस छोटे से राज्य ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। बहुत ही निकट भविष्य में सिक्किम प्रदेश हिंदुस्तान के लिए गौरव देने वाला ऑर्गेनिक स्टेट बनने जा रहा है। वहां के हर उत्पादन ऑर्गेनिक होने वाला है। आज पूरे विश्व में ऑर्गेनिक खेत उत्पादन की बहुत बड़ी मांग है। होलिस्टिक हेल्थ केयर की चिंता करने वाला एक पूरा वर्ग है दुनिया में, जो मांगो उतना दाम देकर के ऑर्गेनिक चीजें खरीदने के लिए कतार में खड़ा है। ये ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने के लिए सिक्किम के किसानों ने जो मेहनत की है उसको जोड़ करके अगर हम इस योजना को आगे बढ़ाएं तो दूर सुदूर हिमालय की गोद में बैठा हुआ सिक्किम प्रदेश कितनी बड़ी ताकत के साथ उभर सकता है।